नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। कोलकाता में फीफा वर्ल्ड कप के मैच पर सट्टा लगाते 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। दक्षिण कश्मीर फाइल्स विवाद पर बोले राम गोपाल वर्मा, बयान देने वाले विदेशी, उन्हें कोई भी विषय का ज्ञान नहीं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के बिछाए आईटी में प्लास्टिक, सीआरपीएफ जवान घायल। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी की हत्या का केस सीबीआई कोर्ट हैदराबाद में ट्रांसफर। श्रद्धा हत्याकांड, आफताब पर हमले के बाद एफएसएल के बाद बीएसएफ की टीम भी है बाहर में तैनात। गुजरात के जूनागढ़ में केमिकल पीने से 2 लोगों की हुई मौत, विधायक पहुंचे। यूक्रेन के खेरस्थान में एक हफ्ते के अंदर 258 बार बरसाए गए बम, चेलस्की ने किया दावा। नवी मुंबई मानसरोवर रेलवे स्टेशन के पास 34 टू व्हीलर आग से जलकर राख। चीन के साथ विदेश नीति को लेकर यूके के पीएम ऋषि सुनक बोले, अब कथित स्वर्णिम युग हुआ समाप्त। और अमेरिका ने चीन में कोविड-19 के खिलाफ जारी प्रदर्शन का किया समर्थन।